आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया, डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इओसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमैन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसीन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारी काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिकस या पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे, आम धारणा के उलट। सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं एडिपिथिकस रेमिडस। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे
वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। दो पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम पर थी, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आँखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है
और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर हमारे बाकी वीडियोस भी विजिट जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।